ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट साबूदाना वड़ा हम बनाएंगे और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे जिससे खाने में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप इस तरह से वड़ा बनाकर देखिएगा, सच में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, स्वादिष्ट वड़ा बनकर रेडी होता है। तो देखिए कितना क्रिस्पी वड़ा बनकर रेडी हुआ है। तो हमें क्या करना है, एक कप लेना है साबूदाना। तो साबूदाना हमने जो बड़ा वाला साबूदाना रहता है ना, नॉर्मल वाला खिचड़ी के लिए हम जो यूज़ करते हैं वही साबूदाना लेना है और इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। तो साबूदाने को वॉश करते हुए साबूदाने का पानी अगर वाइट निकलता है तो आप इसे एक से दो पानी से धो दीजिएगा, जिससे इसका स्टार्च पूरी तरह से कम होता है और ये साबूदाना वड़ा चिपचिपा नहीं बनता है। तो देखिए पानी हमें निकाल लेना है। तो पूरी तरह से हमने पानी निकाल लिया है और अब हमें क्या करना है, साबूदाने को भिगोना है। तो साबूदाना भिगोने के लिए जो कप से हमने एक कप साबूदाना लिया है उसी कप से हम एक कप पानी ऐड करेंगे। तो ये परफेक्ट रेसिपी है साबूदाने को भिगोने के लिए। और अब हमें 6 से 7 घंटे के लिए इसे भिगो कर रखना है। साथ ही हम आलू बॉईल कर लेते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए हैं तो इसे हम बॉईल कर लेते हैं। तो 3 विसल निकाल कर हमें आलू को बॉईल कर लेना है। और जब तक के आलू बॉईल हो रहे हैं और साबूदाना भिगकर रेडी हो चुका है उस समय तक हम बना लेते हैं चटनी। तो देखिए हरा धनिया हमने इसमें ऐड किया है और उसी के साथ हम ऐड कर रहे हैं मूंगफली। तो भुनी हुई मूंगफली के छिलके उतार कर हम ऐड कर रहे हैं, उसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो 2 हरी मिर्च को हमने ऐड करना है। तो अगर आप हरा धनिया नहीं खाते हो व्रत में तो आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही हमने अदरक ऐड किया है, उसी के साथ हम भुना जीरा हुआ पाउडर ऐड कर रहे हैं 1/4 चम्मच। साथ ही नींबू का आधा रस ऐड कर रहे हैं, जैसे आधे नींबू का रस हमने ऐड किया है। नमक ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच और 1/4 चम्मच हमें ऐड करना है चीनी। और चटनी में हम पानी डालकर चटनी को पीस लेते हैं। तो इस चटनी को आप ठीक रख सकते हैं या अगर आपको पतली चटनी पसंद आती है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर भी चटनी बना सकते हैं। तो साबूदाना वड़ा के साथ अगर आपको पतली सी चटनी पसंद आती है, साबूदाना वड़ा पूरी तरह से डिप कर खाना चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कीजिएगा। तो देखिए चटनी बनकर रेडी है, हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो ठंडी ठंडी चटनी गर्मा गर्म वड़े के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। साथ ही हम साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मूंगफली को क्रश कर लेते हैं। तो भुनी हुई मूंगफली हमने ली है। तो हमें क्या करना है, पल्स में मिक्सी को चलाकर इस तरह से इसे पीस कर रेडी करना है। तो दरदरा हमने पीस कर रेडी कर लिया है और साथ ही आलू भी कुक होकर रेडी हो चुके हैं तो इसे भी हम छील लेते हैं। तो देखिए आलू को हमें इतना ही कुक करना है, आलू फूटे ना इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए 3 विसल निकाल लेते हैं तो आलू फूटते नहीं है। तो फुल फ्लेम पर हमने 3 विसल निकाल कर आलू को रेडी कर लिया है। तो आलू को हम छील लेते हैं। साबूदाना और आलू की क्वांटिटी एक जैसी होना चाहिए, जैसे 200 ग्राम हमने साबूदाना लिया है तो 200 ग्राम ही हमें आलू लेना है। और उसी के साथ साबूदाना भी भिग कर रेडी हो चुका है। तो हम साबूदाने को 6 से 7 घंटों के लिए भिगो सकते हैं या अगर आपके पास समय है तो आप पूरे रात के लिए भी साबूदाना रख सकते हैं। तो देखिए साबूदाना बढ़िया से खिला हुआ अच्छे से भीग कर रेडी हो चुका है। साबूदाना भिगोते समय पानी कितना डालें समझ में ना आए तो आप इसी तरह से पानी डालकर साबूदाने को भिगोजिएगा, जिससे साबूदाना बढ़िया से खिला बनकर रेडी हो जाता है। और साबूदाने को हम बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं और साथ ही हम साबूदाने को चेक भी कर लेते हैं ये बढ़िया तरीके से फूला है या नहीं। तो देखिए साबूदाना ना इस तरह से हो जाना चाहिए। और साथ ही हम आलू को ले लेते हैं। तो आलू को हमें अच्छे से मैश कर इसमें ऐड करना है, आलू के बड़े टुकड़े नहीं रहना चाहिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और साबूदाने में आलू की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो साबूदाना वड़ा ऑयली बनता है। तो देखिए जितना हमने साबूदाना लिया है उतने ही हमने आलू लिए हैं। तो आलू को हमने अच्छे से मैश कर लेना है और साथ ही हम इसमें मूंगफली ऐड करते हैं। तो जो हमने मूंगफली पीस कर रखी थी वो हम ऐड कर लेते हैं। तो आलू को पहले अच्छे से तोड़ लेना है और उसके बाद हमें ऐड करना है मूँगफली को। तो साबूदाना वड़ा बढ़िया से क्रिस्पी बनता है पर टेस्ट सही से नहीं आता है। तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इस रेसिपी में मैंने बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जिससे साबूदाना वड़ा टेस्टी बनता है। तो नमक हमने ऐड किया है, साथ ही चीनी ऐड की है, हरी मिर्च की पेस्ट हम ऐड कर रहे हैं, उसी के साथ कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है और साथ ही नींबू का रस ऐड किया है। तो 1/2 नींबू का रस ऐड किया है, भूनकर पिसा हुआ जीरा ऐड किया है। तो इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, इसे ज़रूर डालिएगा। और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च के पाउडर से साबूदाना वड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है।
तो जब भी आप साबूदाना वड़ा बनाएं तब आप इसमें काली मिर्च का पाउडर और भुना पिसा हुआ जीरा ऐड करें, जिससे बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट निकल कर आता है। तो अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से मसलते हुए, तो इसे अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसका मिक्सचर बना लेते हैं। अक्सर हम साबूदाना वड़ा घर पर बना लेते हैं, पर मार्केट में जिस तरह से साबूदाना वड़ा मिलता है उस पर बहुत सारा साबूदाना दिखाई देता है और क्रिस्पी वड़ा बनकर रेडी होता है, उस तरह से घर पर नहीं बनता है। तो वो किस वजह से होता है, हम क्या करते हैं साबूदाना वड़ा बनाने में, साबूदाने में आलू की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं और मूंगफली की मात्रा बढ़ा देते हैं, इसकी वजह से साबूदाना वड़े उस तरह से नहीं बन पाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए हाथों को गीला कर इस तरह से साबूदाना वड़ा बना लेना है। तो एक बड़े नींबू के साइज़ का हमें आटा ले लेना है और इस तरह से इसे दोनों हथेली में प्रेस कर लेना है। तो देखिए वड़ा बनाते समय हमें कैसे करना है, जो साइड का पोर्शन है वड़े का वो पतला रहना चाहिए और बीच का पोर्शन हल्का सा मोटा रहना चाहिए, और साबूदाना वड़े को हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटे बनाना है। छोटे साबूदाना वड़ा बनाने में क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी लगते हैं। तो आप देख सकते हैं साबूदाना कितना बढ़िया से इस पर दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म तेल में हमें वड़ों को फ्राई कर लेना है। तेल पूरी तरह से गर्म रहना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इस तरह से मैंने बड़ी कढ़ाई ली है इसलिए ज़्यादा वड़े एक साथ में डाल रही हूँ। आप छोटे कढ़ाई में बना रहे हो तो 4 से 5 वड़े एक साथ में फ्राई कर सकते हैं। साबूदाना वड़ा हल्का सा फ्राई होकर ऊपर आ चुका है, तो अब हमें इसे पलट देना है। तो साबूदाना वड़ा चिपक चुके हैं, तो देखिए ये साबूदाना वड़ा जैसे फ्राई हो जाता है वैसे ही निकल जाते हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं ना, हलवाई भी जिस तरह से साबूदाना वड़ा फ्राई करते हैं तो इसी तरह से चिपक जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में साबूदाना वड़ा बनाया जाता है तब इसी तरह से हो जाता है। पर आप 3 से 4 वड़ा को फ्राई करते हैं तो ये चिपकते नहीं है। तो इस तरह से हमें अलटते पलटते हुए साबूदाना वड़े को फ्राई कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई कर लिया है। अगर आपको रेड कलर में साबूदाना वड़ा पसंद आता है तो आप इसमें हल्की सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अलट पलट कर इसे फ्राई कर लिया है। इस समय हमने गैस की फ्लेम फुल रखी है। तो साबूदाना वड़ा हमें किस तरह से फ्राई करना है, तो देखिए गर्मा गर्म तेल में हमें साबूदाना वड़ा ऐड करना है, और जब हम इसे एक बार पलट दें उस समय गैस की फ्लेम हमें करना है मीडियम। मीडियम फ्लेम पर इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है, और बाद में हमें गैस की फ्लेम फुल कर कलर आने तक फ्राई करना है। तो इस तरह से क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बनकर रेडी हो जाता है। इस साबूदाना वड़े को आप फास्ट में बनाएं या गर्मा गर्म बारिश के समय बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक साबूदाना वड़ा को हम तोड़ कर देख लेते हैं किस तरह से बना है। तो सभी साबूदाना वड़ा इसी तरह से क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।